हेलो फ्रेंड्स, आज न्यू साल में न्यू रेसिपी बना रहे हैं। थोड़ी सी पालक लिए हैं, उसको एक एक पत्ता को क्लीन करके, इसको हर पत्ता को डंठल तोड़ दिए हैं। अब ये पालक की पत्ती को पीस लेंगे मिक्सी के जार में। एक हरी मिर्च, दो से तीन लहसुन की कली, फ्रेंड्स आज कुछ नया बना रहे हैं। एक बॉल में 200 ग्राम मैदा लिए, एक अलग रखे, एक में पालक का, पालक जो पीसे उसको इसमें डाल करके इसको गूंथ लेंगे। लास्ट में देखते हैं क्या बन करके तैयार होता है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैदा को छान करके अलग रख दिए। एक बॉल में फ्रेंड्स सादा मैदा अलग से सान करके इसको भी रख लेंगे। फ्रेंड्स देखिए दोनों सान करके एक ग्रीन एक व्हाइट, अब इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए रख दे रहे। अब अगला रेसिपी तैयार कर रहे। एक प्याज लिए, एक गाजर हाँ पाव लिए, इसके चॉपर में क्रश कर लेंगे। चॉपर में इसको एकदम महीन क्रश कर लिए। बॉल में खाली कर लेंगे फ्रेंड्स। अमूल का चीज है, इसको क्रश कर लेंगे। एक चम्मच सिजवान चटनी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी चाट मसाला, कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर।
मीशो से मंगवाए हैं, इसमें बहुत ही अच्छा है, इसे आपको बेलने में बहुत आराम रहेगा। फटाफट इसे बेला जाए, आप भी मंगवा सकते हैं, मीशो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। गोल बेल लेंगे, आप कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, कहीं भी आप, बहुत ही अच्छा चीज है। साइज भी काफी बड़ा है, दो लोग भी इसमें आराम से आप बेच सकते हैं। दो अलग अलग टाइप का जो गूंथ के रखे थे, दोनों को अलग अलग बेल लेंगे। इसे भी इसी तरह से रोल बना लेंगे। देख सकते हो फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है, खाने में पता नहीं क्या स्वाद होगा। इसको छोटे छोटे पूड़ी के हिसाब से बेल लेंगे। थोड़े से एक चम्मच पानी में एक चम्मच मैदा का घोल बना लेंगे। ये जो मटेरियल तैयार करके रखे हैं, अब इसमें एक चम्मच, अब आप बताइए फ्रेंड्स क्या इसका नाम रखें। हम तो नया साल में एक नया रेसिपी बना रहे हैं। अब इसे हल्का मीडियम आंच में फ्राई कर लेंगे।
हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।